गाइस, वेलकम टू ऑटोमोटिवेबल। आज हमारे सामने है किया सेल्टोस और इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 12.17 लाख से। और टॉप मॉडल की प्राइस है 22.54 लाख रुपीज़। और ये क्राउन ज्वेल एलईडी हेड लैम्प, स्विच स्टार एलईडी स्वीपिंग लाइट गाइड और ये क्यूब एलईडी फॉग लैम्प्स। और ये कार के अंदर हमें मिल जाती है रेडिएटर की रील ग्लॉसी ब्लैक कलर में। और ये नीचे एडास का रडार। कार के अंदर हमें कलर्स मिलते हैं ग्लॉस क्लियर व्हाइट, स्पार्कलिंग सिल्वर, ग्रेविटी ग्रे और ब्लैक पियरल, ग्लेशियर व्हाइट पियरल, इंटेंस रेड, इंपीरियल ब्लू। और ये कलर आपके सामने है प्यूटर ऑलिव। और ये है हमारे सामने 18 इंच के क्रिस्टल कलर कलर कट ग्लॉसी ब्लैक अलॉय व्हील्स। और ये सेल्टोस की बैजिंग और ये क्रोम फिनिश और वीएम पे। और ये बेल्टाइन गार्निश हैंडल आपको कार के अंदर मिलते हैं। नीचे भी क्रोम की फिनिश मिलती है। रियर टायर भी सेम साइज के मिलेंगे 18 इंचीज के। और ये हमारे साथ है स्टार मैप, एलईडी टेल लैम्प, फिर सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर। आइए चलिए बूट की तरफ चलते। और ये जीटी लाइन की बैजिंग, नीचे एग्जॉस्ट, सेल्टोस की बैजिंग। चलिए बूट ओपन करते। बूट के अंदर हमें 433 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। और 17 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है कार के अंदर हमें। पीछे भी क्रोम फिनिश दी गई है कार के अंदर। आप देख सकते हैं कार का लुक साइड से कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल, 50 लीटर के फ्यूल टैंक है। सेफ्टी में हमें कार के अंदर मिलता है इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट सिस्टम, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और भी बहुत कुछ सेफ्टी में मिलता है हमें कार के अंदर। और ये फ्रंट लुक कार का। आया चलिए सेकेंड रो की तरफ चलते हैं। और ये डोर, ये सन वाइजर, ये क्रोम हैंडल फिनिश, ये स्पीकर्स। कार के अंदर में ब्लैक लेदराइट सीट्स विथ व्हाइट इंसर्ट्स के साथ मिलती है। 3 एड्रेस पे मिलते हैं। और ये आर्मरेस्ट विथ 2 कप होल्डर्स। ये कार के अंदर एयर प्योरीफायर भी मिलता है हमें। नीचे 2 AC वेंट, नीचे दो सी टाइप के पोर्ट्स मिलते हैं और बाजू में कुछ स्पेस है। और ये सनरूफ। आया चलिए फ्रंट पैसेंजर साइड डोर की तरफ चलते हैं। और ये पावर विंडो के कंट्रोल, ये क्रोम फिनिश में हैंडल, बाजू में स्पीकर। और ये स्टार्ट स्टॉप का बटन। और कुछ ऐसा दिखता है डी कट स्टीयरिंग व्हील कार का। और ये फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है हमें कार के अंदर। और ये जीटी लाइन के बैजिंग। और ये वाइपर के कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल। कार के अंदर हमें 26.4 सेंटीमीटर का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। चलिए इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ चलते हैं। 26.3 सेंटीमीटर का हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। और इसमें हमें ईडास लेवल 2 कार के अंदर मिलता है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो प्लस एप्पल कारप्ले कनेक्टेड मिलता है। 8 स्पीकर प्लस ट्विटर प्रीमियम बेस बोस सराउंड साउंड सिस्टम कार के अंदर आता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है। एआई वॉइस रिकॉग्नाइजेशन किया कनेक्ट स्किल विथ एलेक्सा भी कार के अंदर अवेलेबल है। नेविगेशन, जीपीएस, मीडिया और ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी। और ये 7 डिजिटल
स्पीड डीसीडी गियरबॉक्स और ये कूल्ड वेंटिलेटेड सीट्स के दोनों फ्रंट सीट में हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये रियर व्यू कैमरा, और नीचे हमें वायरलेस चार्जिंग और 12 वोल्ट का एक पोर्ट, यूएसबी चार्जिंग और ए टाइप का एक पोर्ट मिलता है। और ये दो कप होल्डर्स की स्पेस, बाजू में पार्किंग ब्रेक, और ये ग्लव बॉक्स, हीट वे एडजस्टेबल मिलती है फ्रंट की दोनों सीट्स हमें। और ये फुल्ली कूल ग्लव बॉक्स, और ये रियर व्यू मिरर, इलेक्ट्रिकल रीडिंग लाइट्स, और ये है फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक पेनारोमिक सनरूफ। और ये सनग्लास होल्डर। ये चलिए बोनेट की तरफ चलते हैं। अब कार के अंदर हमें पेट्रोल टर्बो स्मार्ट स्ट्रीम इंजन मिलता है, 1482 सीसी का मिलता है, 160 हॉर्स पावर बनाता है और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सो गाइस, मैं इस वीडियो के लिए थैंक्स कहना चाहूँगा सुपरनोवा किया को। उनके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो के लिए मुझे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।